नॉनवेज की वर्कशॉप को बिना प्रोसेस को अपनाए किसी भी, क्योंकि निगम की संपत्ति है और आपको मालूम है, आप सब लोग कवर करते हो निगम की तमाम गतिविधियों को, निगम में जब भी निगम के लोग किसी मांग को सरकार से करते हैं तो सरकार कहती है आप स्वायत्त शासी हैं, आप ऑटोनोमस हैं, आप स्वयं कमाएं और स्वयं खाएं, आपको हम नहीं देंगे। और ऐसा लगता है जैसे कि भीख मांग रहे हो। आपदा आएगी तो आपदा के लिए फ्री बस सर्विस उपलब्ध कराएगा परिवहन निगम। सरकार की कोई योजना होगी, तीर्थ की योजना होगी, बुजुर्गों के लिए योजना होगी, रक्षाबंधन में बहनों के लिए योजना होगी, सरकार की कोई भी योजना होगी उस योजना में बस उपलब्ध कराएगा फ्री में परिवहन निगम। लेकिन परिवहन निगम को अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार कहती है कि आप स्वायत्त शासी हैं, आप स्वयं प्रॉफिट कमाएं, स्वयं खाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब निगम की भूमि हरिद्वार रोड का इतना बड़ा वर्कशॉप, उस वर्कशॉप को बिना किसी प्रोसेस को अपनाए सरकार ने एक ऑफिस नोट से उत्तराखंड परिवहन निगम के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष दिनेश गोसाई जी और हमारे महामंत्री दिनेश पंत जी हैं, बाकी नेतागण राजेश नंदा जी, भोला जोशी जी, रावत जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्होंने एक पत्र उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को। और वैसे तो मैं इस परिषद का संरक्षक हूँ पिछले 25 वर्षों से, लेकिन उपाध्यक्ष के नाते भी मुझे इन्होंने एक पत्र सौंपा है। इसी प्रकार से इन्होंने वही पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को